मुंबई जाओ या कुछ दूसरा जगह जाओ यूपी में सॉरी दिल्ली में आपको बहुत परेशान होगा उधर दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस सब पकड़ेगा आपका आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है कश्मीर के बारे में आप लिखेगा तो आपको टेररिस्ट लिंक बनाएगा कश्मीरियों को बारे में आदिवासियों को मतलब दलितों को बारे में लिखेगा तो आपको माओइस्ट बना जाएगा अभी देखो एक दलित लड़की का इशू में मैं रिपोर्ट करने गया मुझे पहले माओइस्ट सिम्बाडेसर uh, hmm. बताया मेरा hmm. चार्टिस्ट में है आपका आर्टिकुनेम पढ़ा मैं माओइस्ट सिम्बाडेसर कम्युनिस्ट सपोर्टर फिर लास्ट मुस्लिम टेररिस्ट अभी पॉपुलर फंड बैन के बाद बताया पॉपुलर फंड से कनेक्शन hmm. पॉपुलर फंड से आ, फंड मिलता है मुझे देखो तो ये ऐसा चलेगा सो व्हाट कीप्स यू गोइंग देन डोंट यू थिंक ये सब प्रॉब्लम्स से दूर हटके मैं कुछ और करता हूं तो उसमें क्या फायदा है हमको हम मैं अट्ठाईस महीने जेल में रहा इससे बड़ा दिक्कत मुझे क्या आएगा मेरा अच्छा टाइम मेरा माँ का इंतकाल मुझे बहुत नुकसान टाइम मेरा अच्छा पीरियड मेरा यूथ टाइम मैं जेल में है अभी क्या है इससे बड़ा नुकसान क्या है हमको अभी ये मुझे स्ट्रेंथ है ट्वेंटी एट मंथ का मेरा जेल लाइफ मुझे एक, एक स्ट्रेंथ दिया मुझे एक हिम्मत दिया आगे चलने के लिए ग्रेट। इससे मुझे यूपी सरकार से और इंडियन गवर्नमेंट से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हुँ। मुझे अट्ठाईस महीने जेल भेज के मुझे एक अच्छा हिम्मत वाला इंसान बनाया सरकार उसको खुदा के और यूपी दिल्ली सॉरी इंडियन गवर्नमेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ किसी को इतना मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं था मैं इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में काम किया अभी तक केरला में काम किया और दिल्ली में रिपोर्ट किया केरला का न्यूज़पेपर के लिए के यूडब्ल्यू जे सेक्रेटरी तक पहुंच गया अब भी मुझे ये लोग क्या किया मुझे हिम्मत दिया ऐसा एक फासिस्ट टाइम पे so are... दो पैर में मतलब स्ट्राइ, स्ट्राइट खड़े करने के लिए एक हिम्मत दिया सरकार इससे बड़ा मुश्किल आने वाला नहीं है मुझे